तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बात करेंगे जो शायद ही आपने इससे पहले ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जानते हो। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों क्या आपने कभी ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में सुना है जिस रेस्टोरेंट को पूरा पेड़ के ऊपर बनाया गया? तो शायद आपको यह सुनकर लगे कि यार, एक रेस्टोरेंट को पेड़ के ऊपर कैसे बना सकते हैं, अब वो भी पूरी पूरी बिल्डिंग को एक पेड़ के ऊपर बनाना, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ऐसा रेस्टोरेंट हकीकत में देखने को मिलता है जिस रेस्टोरेंट को दोस्तों पूरा पेड़ के ऊपर बनाया गया है, जिस रेस्टोरेंट को देखने पर बहुत ही अनोखा लगता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस अनोखा रेस्टोरेंट के बारे में। तो दोस्तों, यह अनोखा रेस्टोरेंट जापान के ओकिनावा में देखने को मिलता है, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट को पेड़ के ऊपर बड़े ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया, जिस पूरे रेस्टोरेंट का व्यू देखने पर बहुत ही अनोखा लगता है। जहाँ पर लोग पेड़ के ऊपर जाकर लंच करते हैं, तो शायद अब इस रेस्टोरेंट के बारे में कहीं ना कहीं लगता होगा कि आखिर एक रेस्टोरेंट को पेड़ के ऊपर किस लिए बनाया गया। और दूसरी चीज ये भी लगता होगा, इतनी भारी भरकम वाली बिल्डिंग के वजन आखिर एक पेड़ कैसे सह सकता है, क्योंकि एक पेड़ पर ज्यादा वजन होने से वह पेड़ आसानी से टूट सकता है। तो फिर यह रेस्टोरेंट को आखिर किस प्रकार से डिजाइन किया गया? तो दोस्तों, इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है दोस्तों, जो यह रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट के नीचे जो पेड़ दिख रहा है वह असल में एक नकली पेड़ है, जिस पेड़ को कंक्रीट का उपयोग करके बनाया गया है और इसी पेड़ के ऊपर रेस्टोरेंट को बनाया गया। यह कहना चाहिए कि पेड़ और रेस्टोरेंट एक ही है, जिस पेड़ को कंक्रीट का उपयोग करके बनाया गया है, जो कि पूरा पेड़ रियलिस्टिक लगता है। सो दोस्तों, क्या आपने इससे पहले ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जानते, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।